क्लास 12 वाले बच्चे मात्र गणित के 5 को चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो उनको फुल मार्क्स मिल सकता है, लेकिन वो 5 चैप्टर कौन कौन सा है, कैसे कैसे आपका 5 चैप्टर पढ़ने से पूरे मार्क्स आ जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। क्लास 12 वाले बच्चे बिना वीडियो को स्किप किए ना शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्लास 12 वाले बच्चे बिना पूरा चैप्टर्स पढ़े, जितना भी 15 को या 20 को या 14-15 जितना भी चैप्टर्स है उन सारे चैप्टर्स को पढ़े बिना मात्र 5 चैप्टर पढ़िए, और इन 5 चैप्टर्स का अगर विस्तार से रिवीजन कर लेते हैं ना, बढ़िया से पढ़ लेते हैं ना, तो ना तो ऑब्जेक्टिव छूटेगा और ना ही 5 नंबरिया प्रश्न आपका छूटने वाला है और ना ही 2 नंबरिया छूटने वाला है। देखिए वो चैप्टर्स कौन कौन सा है, उस पहला चैप्टर्स मैट्रिक्स मतलब व्यू, दूसरा का सारणिक मतलब वो आपका डिटर्मिनेंट, अवकलज, डिफरेंशियल, समाकलन, इंटीग्रेशन, सदिश मतलब वेक्टर। ये 5 चैप्टर्स है, व्यू, सारणिक, अवकलज, समाकलन, सदिश। अगर इन 5 चैप्टर्स का आप रिवीजन कर लेते हैं तो 1-2 नंबरिया नहीं छूटेगा, 1-5 नंबरिया नहीं छूटेगा और 1 ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। देखिए सबसे पहले बात 2 नंबरिया ही करते हैं तो अभी उससे कम से कम 2 नंबरिया आपका 100% लड़ जाएगा, 2 गो प्रश्न लड़ेगा, कौन लड़ेगा 2 गो, और सार्वजनिक से नहीं भी लड़ेगा प्रश्न तो 2 नंबरिया 2 गो प्रश्न आपका सेम टू सेम लड़ जाएगा, अगर हिंदी का एनसीईआरटी बुक का रिवीजन कर लेंगे तब। और कलश से 5-6 गो प्रश्न लड़ता है, 5-6 गो प्रश्न आपको लड़ेगा, उसके बाद समाकलन से भी 5-6 गो प्रश्न आते हैं, उसके बाद सदिश से भी 2 गो प्रश्न आपका लड़ जाएगा, अगर इन प्रश्नों को आप जोड़ते हैं तो ये 16 गो प्रश्न आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। अधिक ही प्रश्न पूछता, लेकिन मैं कम लेकर चला हूं, 16 गो प्रश्न आपका हो गया, समझे 16 गो प्रश्न हो गया, 5, 10, 6, 16 हो गया, लेकिन आपके एग्जाम में पूछता को मात्र 15 ही गो प्रश्न का जवाब देना होता है, कैसे सोचिए, वो 30 गो प्रश्न देगा जिसमें से मात्र 15 गो बनाना है, तो 30 गो में से 15 गो बनाना है तो 16 गो तो यही गति लड़ जा रहा आपका 5 ही गो चैप्टर पढ़ने से। इसलिए बाबू कहूंगा कि 5 गो चैप्टर्स का ढांस कर रेल का रिविजन कर लीजिएगा पूरी तरह से, जबरदस्त तरीके से रिविजन कर लीजिएगा, ताकि सारा क्वेश्चन आपका लड़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका 2 नंबरिया पूरा लड़ जाएगा। अब रही बात 5 नंबरिया, देखो 5 नंबरिया सारणिक से भी ये को पूछता तो सारणिक को मैं हटा लिया हूं, ठीक है। और कलश से 5 नंबरिया कम से कम 2 गो प्रश्न आपके एग्जाम में करते हैं, कितने करते हैं 2 गो प्रश्न आपके करते हैं हमेशा, और कलश से, डिफरेंशियल से, उसका समाकलन से नहीं भी प्रश्न करता 5 नंबरिया तो 2 गो करता है, तो 4 गो हो गया। उसके बाद है सदिश से 1 5 नंबरिया प्रश्न करता है, सदिश जो पढ़ना है क्लास 12 में यहां से 1 5 नंबरिया करता है, और ग्राफ 1 गो करता है, तो इस तरह से जोड़ेंगे 2, 2, 4, 2 कितना होगा 6 गो 5 नंबरिया प्रश्न हो गए आपके 6 गो, जबकि जवाब कितना का देना है 4 ही गो का जवाब देना है, 8 गो देगा जिसमें से 4 गो ही प्रश्न बनाने हैं, तो यहां से 2 नंबरिया 5 नंबरिया भी क्लियर हो जाए। अब रही बात ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है ना। ग्राफ अलग से पढ़ लीजिए, ग्राफ आप करना सीख लीजिए, अगर मैट्रिक का ग्राफ सीखेंगे तो उससे तनी मनी और दिमाग लगाएंगे तो 12 का ग्राफ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब रही बात ऑब्जेक्टिव की, देखो ऑब्जेक्टिव आपका सबसे ज्यादा अवकलज, समाकलन और सदिश तीनों से आते हैं, इन तीनों को मिलाकर कम से कम 30-35 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही हो जाते हैं, और रही बात 10-15 नंबर तो अभ्यू, सारणिक, इन सभी को मिलाकर टोटल 50 अंक आपके लड़ जाएंगे ऑब्जेक्टिव, यानी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जा रहा है, 2 नंबरियों क्लियर हो जा रहा है, 5 नंबरियों प्रश्न क्लियर हो जा रहा है 5 चैप्टर से। इसलिए इन 5 चैप्टर्स का एनसीईआरटी का रिवीजन कर लीजिए बस, और देखिए आपका पूरा एग्जाम में तो तहलका मचा कर रख देंगे बाबू। इसलिए इन 5 चैप्टर का जबरदस्त तरीके से रिवीजन करना सीखिए, और आपके लिए ये चीजें बताने के लिए हमें बड़ी थिंकिंग करनी पड़ी है, तो कम से कम 1 लाइक, कमेंट, आपका शेयर बनता है, और कुछ लोगों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो बच्चे मैथ में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं वो इस तरीके के माध्यम से पूरे नंबर ला सकते हैं। जय हिंद।